अंध अशोक मोर के धरती एकर शान निराला बा, ए माटी में जन्मी सीता एकर महिमा न्यारा बा। धोती कुर्ता पहनावा कांधे पे गमछा सोभेला, होली दिवाली छठ और तीज सबके मन से मनावेला। निर्गुण पूर्वी कजरी चैती गावे संसार, मधुबनी के चित्रकला से पाई नके हुपा। गंगा गंडक कोसी की बहती अमृत जलधा, पटना से 112 किलोमीटर की दूरी पर है गया, हिंदुओं का महान तीर्थ स्थल गया। इसे गया धाम व गया जी के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर को विष्णु की नगरी भी कहते हैं, क्योंकि गयासुर नामक राक्षस जिसका गया में ही निवास स्थान था, उसे भगवान विष्णु ने यहीं पर राक्षसी प्रवृत्ति से मुक्त किया था। गया का उल्लेख महाभारत में भी है, और गया आने से अश्वमेघ यज्ञ का फल और कुल का उद्धार होता है। नमस्कार, विष्णुपद मंदिर में आपका स्वागत है, आइए। ये विष्णुपद मंदिर है, यहाँ दूर दूर से लोग अपने पितरों के मोक्ष प्राप्ति के लिए श्राद्ध करने आते हैं। ये मंदिर अहिल्याबाई इंदौर की महारानी ने बनवाई। गयासुर नामक राक्षस अपने तप से भगवान विष्णु से ये वरदान प्राप्त कर लिया कि कोई भी जीव गयासुर के दर्शन पूजन व शरीर के स्पर्श मात्र से स्वर्ग को प्राप्त हो सकता है। पंडित जी, ये जगह क्या है? देखिए, यही भगवान का चरण पादिका है, दाहिना पांव है भगवान का। ये गयासुर राक्षस को दबाया है भगवान, उसी का ये निशान है। अच्छा, इनके ही नाम पर शायद ये शहर का नाम जो पड़ा है। इनके नाम पर ही गया का शहर का नाम पड़ा है। आज भी मंदिर में शिला पर विष्णु पद स्थित है। भगवान विष्णु का चरण चिन्ह लगभग 13 इंच लंबा है। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 100 फीट है। यहाँ तो पूरे जो सनातनी लोग हैं सभी जगह से लोग आते हैं पिंडदान करने के लिए, चाहे वो विदेश में भी रहते हों, सनातनी लोग हमारे तो आते हैं इधर पिंडदान करने के लिए। पिंडदान जिसके बुजुर्ग लोग गुजर जाते हैं उन्हीं के नाम से गया में पिंडदान होता है। पंडित जी, ये मुझे नदी दिखाई दे रही है लेकिन इसमें पानी नहीं भरा है, क्या है ये? कारण ये है ना कि ये फल्गु नदी गुप्त नदी है। सीता जी ने इधर में पिंडदान किया था तो उसी का शराब से ये फल्गु नदी गुप्त है। अंतः सलीला है, अंदर अंदर बहती है। वो जो देख रहे हैं आप, जो खाड़ा जहाँ खदा हुआ है उसमें पानी है पर ऊपर से नहीं आता। अगर हम इसको गड्ढा करें और खोदें तो पानी आएगा? हाँ, पानी बिल्कुल आएगा। मैं इधर देख कर आऊँ? हाँ, देख के आइए आप। ये मंगला गौरी मंदिर है, देवी के 51 शक्तिपीठ में से एक है गया का मंगला गौरी शक्तिपीठ। ये शक्तिपीठ गया के भस्मकूट पर्वत पर स्थित है। इस शक्तिपीठ को असम के कामरूप कामख्या शक्तिपीठ के समान माना गया है। कालिका पुराण में गया में देवी का स्तन मंडल भस्मकूट पर्वत के ऊपर गिरकर दो पत्थर बन गए थे। इसी स्तन मंडल में माँ मंगला गौरी निवास करती हैं। इस शक्तिपीठ की यह विशेषता है, इसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य अपने जीवन काल में अपना ही श्राद्ध कर सकता है।
यहाँ से बोधगया जा रहा हूँ जो यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर ही दूर है। गया से लगभग 11-12 किलोमीटर दक्षिण में स्थित बोधगया संसार भर के बौद्ध धर्मानुयायियों के लिए सबसे पवित्र स्थल है। यह है विशाल बुद्ध प्रतिमा। विशाल बुद्ध प्रतिमा का निर्माण 1984 में प्रारंभ हुआ। लगातार 5 वर्षों तक निर्माण कार्य जारी रहा। इस प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 80 फीट है। इसका निर्माण दाइजोक्यो सेक्ट जापान द्वारा किया गया है। इस भव्य प्रतिमा का अनावरण दलाई लामा जी के कर कमलों द्वारा 18 नवम्बर 1979 को सम्पन्न हुआ था। खुले गगन में कमल पर स्थित बुद्ध मूर्ति ध्यान मुद्रा में है। ये प्रतिमा 1 हेक्टेयर भूखंड में स्थापित है। इस प्रतिमा का डिजाइन जापान में तैयार किया गया था। यह मूर्ति चुनार के गुलाबी पत्थरों को जोड़कर बनाई गई है। इस विशाल बुद्ध प्रतिमा के दोनों ओर भगवान बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र और महामुगलायन सहित 10 भिक्षुओं की खड़ी हुई प्रतिमाओं का अनावरण किया गया है।